ये बड़ा पॉइंट हो चुका है खराब, जो कि पानी और इसकी वजह से सड़ चुका है। सलाह भाई मेरी तरफ से, कभी भी आप कोई वेल्डिंग का काम करो उसको तुरंत पेंट करवाओ, क्योंकि वेल्डिंग का कोई भी काम हो अगर वहाँ अगर आप पेंट नहीं करवाएंगे तो भाई जंग पकड़ना स्टार्ट करती गाड़ी। तो फिर दोस्तों लगे हाथ, थोड़ा इसका एक एंगल टूटा हुआ था तो इस एंगल को भी जोड़ रहे हैं। तो भाई पुट्टी भरी जा रही है, फिर इसके बाद होगा पेंट। तो खिड़की लग रही है, तेजू भाई बहुत जोर लग रहा है। तो अलाइनमेंट फिक्स की जा रही है दोस्तों, थोड़ा ऊपर उठा के। यस ये नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्ड ऑफिशियल ट्रक लाइव यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों अभी क्रैशर पर हूँ, पहले ट्रिप पर लोडिंग चली हुई है। अभी टाइम करीबन 7:30 हो चुके हैं और मौसम थोड़ा ख़राब, थोड़ा साफ है, धूप तो आ रही है वैसे। तो अभी यहाँ तो धूप नहीं भाई, यहाँ तो 10 बजे धूप पहुँचती है। तो अभी 10 mm ले जा रहा हूँ शमशी, तो इसके बाद देखते हैं फिर क्या क्या बनेगा। तो करेंगे कुछ बात ट्रक से रिलेटेड, तो बने रहना दोस्तों ब्लॉग में। तो गाइस अभी लोडिंग करके निकल चुका हूँ मैं क्रशर से। तो रोड में यार बहुत कीचड़ है, क्योंकि यहाँ पर भाई धूल बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पानी मारता है टाइम टू टाइम, इसलिए रोड में कीचड़ है बहुत ज़्यादा। तो लवली की गाड़ी हुई है ख़राब चेले की, वहाँ जाएंगे अभी, उसकी गाड़ी का कुछ सामान भी लाना, तो बताएंगे आपको वहाँ उसकी गाड़ी का क्या काम चला हुआ है। तो अभी सेकेंड ट्रिप है मेरा ये, मैं अभी आशापुरी क्रैशर में हूँ और अभी जा रहा हूँ। तो गाड़ी वगैरह मैंने साफ़ कर ली थी पहले ही, तो अभी निकलेंगे सीधा लवली के पास। भाई ये जहाँ खिड़की का कब्जा लगता है ना, ये वाला पॉइंट ठीक है, ये वाला पॉइंट हो चुका है खराब, जो कि पानी और इसकी वजह से सड़ चुका है। तो खिड़की निकाल दी है और अभी पीस जोड़ रहे हैं, देखते हैं आप, और इसको बढ़िया से किया जाएगा भाई, क्योंकि 2009 मॉडल है भाई, इसलिए थोड़ा गचपच हो चुकी है गाड़ी में बहुत ज़्यादा। तो जब हमने पेंट करवाया था गाड़ी को उस टाइम तो था नहीं है, अभी अभी हुआ है, वो गाड़ी चलानी आती नहीं है। पता नहीं कैसी खिड़की बंद करते यार तुम लोग, कैसे करते खिड़की बंद हुए है, तोड़ दिया यार सारा इसने, देखो यार पूरी खिड़की बाहर आ गई है। और हमारे फोरमैन जी जुगाड़ तैयार करते हुए देखते हैं आप, तो अभी इसको बोलते हैं 0-0 जुगाड़। स्टेटमेंट दो फटाफट, क्या कर रहे हैं आप? ये था मिल जाना उसके बाद ना एजेंसी में, ये वाला कब्जा वो वाला नहीं, वो बना रहे। वर्क ऑन प्रोग्रेस है दोस्तों, तो अभी हम जा रहे हैं बिल्लो को कब्जे ले आने। तो भाई पुरानी गाड़ी यार बहुत, अब सड़ गया तो सड़ गया भाई, लो आया, अब क्या बोल सकते, लोहा भाई कहीं भी टूट सकता है, कहीं भी सड़ सकता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। आदमी की गारंटी नहीं तो लोहे की क्या गारंटी। तो अभी हम बुनकर जा रहे हैं, तो इस ट्रिप को भी छड़ेंगे और कब्जे ले आएंगे। तो और मैंने चलानी थी। तो दोस्तों अभी रुके हम साड़ा भाई में पानी भरने। तो भाई यहाँ पर थोड़ा जाहिर पानी है बढ़िया वाला, तो पानी यार टाइम टू टाइम पीना चाहिए, क्योंकि पानी शरीर में पानी की कमी होना बीमारियाँ होती है बंदे को बहुत ज़्यादा, पानी टाइम से पिया करो। दोस्तों शाड़ाबाई में जायरू पानी, यहाँ पर भरते हैं हम पानी और बढ़िया पानी भाई, जायरू पानी पीना चाहिए अच्छा होता है। तो जो अपने शाड़ाबाई और भुंतर के पीछे, शाड़ाबाई से आगे भुंतर से पीछे, यहाँ पर है ये कलैड़ी और भुंतर के बीच में, देख सकते हैं आप यहाँ पर वो मेन रोड में ये गच वाला पानी है। तो दोस्तों कब्जा हमने ले लिया है जो खिड़की में लगेगा, और खाना हमने खा लिया है, और अब जाएंगे हम सीधा बिल्लो के पास और देखते हैं कि उन्होंने अभी किया क्या क्या, फिर बताते हैं आपको। जुगाड़ हमारा बन चुका है, बस इसको अभी चेकिंग हो रही है और थोड़ा ये बेल्डिंग बुल्डिंग करेंगे यहाँ से बढ़िया। तो पीस लग चुका है एकदम,
अलाइनमेंट बिल्कुल 0-0 है, देख सकते हैं आप। और अभी जो एक कब्जा है हमने नया लिया हुआ है, और ये वाला हमारे को मिला नहीं भाई, इसको हम पुराना ही लगाएंगे। तो फिर लगाने के बाद अभी फोरमैन जी थोड़ा खाना खा रहे हैं, तो मिलते हैं अभी। दोनों बिलो लगी है एक साथ, और बेंज ग्रुप ठीक है दोस्तों। तो अभी बताना यार, बहुत से बंदे भाई माजदा भी चलाते हैं, बहुत से बंदे आयशर भी चलाते हैं, और बहुत से बंदों ने दोनों भी चलाई है। तो उसके बाद जिन बंदों ने भाई दोनों चलाई है, कमेंट में बताना कि दोनों में सबकी फेवरेट कौन है, आयशर या माजदा। तो मेरी तो दोनों ही है फेवरेट, पर आपको पता ही ज़्यादा फेवरेट अपनी वही है। तो बताना कंपेरिजन में कि आप में से कौन सी आपकी फेवरेट है, माजदा या प्रो, तो बताना जरूर कमेंट में। अरे जगाड़ू काम ना करे कर तेजू भाई, यार सारे बंपर अंदर बेल्टिंग मारती रही तू सरा। वारा तेजू भाई बाकी ऊपर मत मार, ये क्या करता रहा तू सरा, या ये थी अंदर मार, ये देख मां क्या करता रहा, क्या करता रहा तेजू भाई यार तू सरा। यार तेजू भाई एड़े उल्टे काम ना कर दे रहा, थाले थाले पर थाले, तेरी आस्था लग रेड़े मठिया सही, हां ठीक है थाले पर खिड़की खोल बार 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 रुको आ रहा भाई, ये गिरी चिपकी है, प्लेट गिरी चिपकी ना, पहले डलकल के टूच मारेगा भाई वारा, तेज खाने इसको बेल्डिंग है नहीं, तेरी उम्र नहीं उतनी जितनी इसने बेल्डिंग की होनी है। वीडियो में लाइट बजानी है मेरे क्या बोल रहे हैं आप, आपकी उतनी उम्र नहीं हुई जितनी इन्होंने बेल्डिंग की हुई है, आपको पता कितने साल के बाप है। मैंने हम लाइव लाइव बोलते हैं, हम लाइव क्यों दे जा भाई, दे जा भाई एक जुमार पहले फिर आना इस बेल्डिंग मारे, नहीं तो ये ठकिस खनी है, ये ऊपर डाना रहना है, और तेज खाना बेचो तू है कर दे बेल्डिंग, देस बोल दे होल्ड रहा भाई, भाई ले कर तू कर बेल्डिंग चल किया कर है। ये जो काम हो रहा है ये हो रहा है अनवर ऑटो वर्क, जो कि है अपना जहां पर नाका लगता, भाई देखो कैमरे जहां लगे हुए हैं, जीडी से आगे और बजोरा से पीछे। तो ये भाई दुकान का नाम, आप देखते हैं हमारा सारा काम यही होता है, क्योंकि यहां पर फोरमैन है ना हमारे, ये तेजू भाई, तब हम यहां आते हैं, देखो तेजू भाई करके आते हैं हम यहां, क्योंकि ये अपना ही है भाई अपना। देखिए भाई क्या तगड़ी वाली बेल्डिंग की भाई ने, बताना फिर यार कमेंट में बताना यार ये बंदा सही बेल्डिंग करता है कि नहीं। देख सकते आप बहुत प्यार से काम करता, आप आ सकते भाई यहाँ पर अनवर ऑटो वर्क। तो इनका लाला कौन है हम जानते नहीं, लाले को नहीं हम जानते सिर्फ फोरमैन को, ठीक है ना। तो आप आ सकते यहाँ कभी भी काम कराने को, तसल्ली नहीं हो रही है, गर्मिट का काम अधूरा रह रहा है। तो अब ये भाई इसने फोरमैन के पसीने निकाल दिए है, मौसम खराब है फिर भी तेजू भाई के पसीने निकल चुके हैं, क्योंकि ये जो गर्मीट है ये बहुत ही, ये देखो अभी फिर से छेड़ रहा है, देखो इसको तसल्ली नहीं हो रही भाई काम कराने में। भाई क्या बोल रहे हैं आप, ऐसे बंदे आने चाहिए आपकी दुकान में, ये क्या कर कर रहा है, ऐसे बंदे सब दूर रहते हैं की। ये तो आना ही नहीं चाहिए, देखो ये इसको पता से तो लगता नहीं है, पता लगता नहीं इसको, और बड़ा हीरो बना होता नहीं, चेतर फ्रेंड तो इसको फर्क पड़ गया है, चेतर सलाह है भाई मेरी तरफ से, कभी भी आप कोई बेल्डिंग का काम करो उसको तुरंत पेंट करवाओ, क्योंकि बेल्डिंग का कोई भी काम हो अगर वहाँ पर अगर आप पेंट नहीं करवाएंगे तो भाई जंग पकड़ना स्टार्ट करती है गाड़ी, तो फिर से फट सकता है। तो जिनको पता तो अच्छी बात है भाई, जिनको नहीं पता तो कभी भी कहीं भी बेल्डिंग का कोई प्रोसेस हो तो भाई मतलब करवा दिया करो यार, पेंट वगैरह करवा दिया करो। तो अब ये ऐसा है, अभी इसको पेंट करेंगे फिर बताएंगे आपको।
साफ सफाई हो चुकी है बिल्कुल, बेल्डिंग फुल पावर और अलाइनमेंट एकदम जीरो जीरो भाई, जीरो जीरो अलाइनमेंट है। और जब इसमें अभी हम वो पुट्टी वगैरह भरेंगे यहाँ से तो भाई बिल्कुल भी जजमेंट नहीं होगी कि पुराना है कि कुछ है, तो इसकी फुल पावर हम अभी मेंटेनेंस करेंगे और फिर इसको पेंट मारेंगे गचवाड़ा। तो भाई पुट्टी भरी जा रही है, फिर इसके बाद होगा पेंट, क्योंकि इससे जो हमारी ये जो किनारी होती ना भाई, ये वो ये इसकी जो ये उबड़खाबड़ हुआ है ना भाई, इसका जो मतलब कि ये ऊपर ऊपर उभरा हुआ दिख रहा है, इसकी जजमेंट नहीं होगी, उभरा हुआ अपन हो जाएगा गायब, फिर करेंगे हम पेंट, तो जजमेंट नहीं होगी। क्यों बजना रे एक मार घुमर नहीं बजना। दोस्तों लगे हाथ थोड़ा, इसका एक एंगल टूटा हुआ था तो इस एंगल को भी जोड़ रहे हैं, नया ही लगा रहे हैं, तो पुराना एंगल यहाँ पड़ा हुआ है जो कि लोडर वाले ने तोड़ दिया था, अब इसको नया लगा रहे हैं बिल्कुल फ्रेश। जुगाड़ हो चुका है तैयार, गिलकर इसको नहीं तो गया बस हुआ। अब ना करो बेल्डिंग, हो गया आए जो झाड़ देना पेंट गया। गार्ड हो चुका है तैयार, देखते आप और निकला अभी इसको पेंट मार के बताएंगे फिर भाई, कोई जजमेंट नहीं होगी कि नया लगाया है। बहुत भाई क्या लगता है कि ये आपकी क्लास लिए बिना मानेगा? शर्मा गया लौंडा, खुशी देखिए चेहरे पर। तो दोस्तों पेंट हो चुका है, तो अभी खिड़की लगवाएंगे फिर बताते हैं। तो खिड़की लग रही है, तेजू भाई बहुत जोर लग रहा है। क्या होता है जेनुइन काम हो गया? कहाँ होता है? अनवर भाई जी के वहाँ होगा जेनुइन काम, ऊपर नहीं डाला नीचे काम। हम अनवर भाई यार, तेरा दादू उमरा से आदि जो बता की भाई भाई क्या भाई क्या लाले नाम, लाला जी के फादर साहब का नाम है अनवर भाई। तो अलाइनमेंट फिक्स की जा रही है दोस्तों, थोड़ा ऊपर उठा के, यस ये आई लाइक इट, ये बनी अलाइनमेंट है, यस सारे नट। तो देखिए इस शख्स को कैसा जोर लगाया हुआ इसने। तेजू भाई फोर मैन ऐसे कि ये गर्मिट की तरह है, जहां पर गर्मिट घुसता हो छह दिन डाल के ही बाहर निकलता, क्यों भाई? तो ये जहां पर लग जाते ना काम खत्म करके ही वो होते हैं। तो अभी देख सकते हैं आप खिड़की की अलाइनमेंट जीरो जीरो हो चुकी है, अरे नहीं आ रही है, देख कब्जा तो रहता ही खराब है ऊपर वाला, जब ऊपर वाला कब्जा भी ठीक हो जाएगा ना तब होगा सही, क्यों भाई? हाँ ऊपर वाले में प्ले, हाँ बस प्ले ऊपर वाले में, जैसे ऊपर वाला नया पड़ जाएगा ना वैसे हो जाएगा ठीक है, पा दी इसको टाइम से। और ऐसे भी कभी खिड़की खुड़की खोली होती है ना, इस पे वजन बुजन नहीं देना डालने, कई बार बंदे डाल देते वजन ऐसे जुल जाते। हमारे अनवर ऑटो वर्क्स के मैनेजर जी, मालिक ये मालिक है भाई, आप आए कभी भी नहीं, सेवा का मौका दें यहाँ पर, क्यों भाई है ना भाई, फुल डिस्काउंट एंड ओरिजिनल काम, क्यों भाई? बिल्कुल जब मर्जी आए आप, भाई का नंबर भी लिखा देखो यहाँ, सेवा का मौका दें 9800B00300 है ना भाई, ऐसी सेवा करने। दोस्तों काम हो चुका है बिल्कुल ओके, द रिपोर्ट। तो दोस्तों बिलों का काम हो चुका है एकदम बढ़िया से, और देखोगे आपने पूरा प्रोसेस कैसा रहा। तो दोस्तों टाइम टू टाइम गाड़ी का काम होना चाहिए, बढ़िया रहता है। तो दोस्तों अब शाम के 5 बज चुके हैं, बहुत टाइम लग गया यहाँ, मैं जा रहा हूँ घर। तो
ब्लॉग को करेंगे यहीं पर ख़त्म। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। अपना ख्याल रखो, अपने आसपास सफाई बनाए रखो और अपना ध्यान रखो, मेहनत करते रहो। बाय बाय, जय हिंद, जय माता दी।